हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। मैंने पिछले वीडियो में आपको बैडमिंटन मैच कैसे मारते हैं वो बताया था। सो, जैसे मैंने आपको उस टाइम पे बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जंप स्मैश सिखाऊंगा। सो, आज मैं आपको जंप स्मैश के बारे में बता रहा हूँ। सो, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हम स्मैश मारना जानते हैं तो उसके बाद हमें जंप स्मैश आखिर में क्यों मारना है, यानी कि स्मैश से तो हमारा काम हो ही जा रहा है, स्मैश से हम पॉइंट्स भी विन कर ले रहे हैं, बट जंप स्मैश ज़रूरी क्यों है। सो, आपको ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो, जंप स्मैश से क्या फ़ायदा होता है? जंप स्मैश से यही फ़ायदा होता है कि आप पहला तो आप शटल के पास जल्दी रीच कर सकते हो, यानी कि शटल अभी आप जैसे नॉर्मल स्मैश मारोगे तो आपके यहाँ पर रीच पे होगी, लेकिन आप जब जंप करोगे तो क्या होगा कि आप और ऊपर हाई जंप कर लिए, और इससे क्या होगा कि आप शटल को और भी जल्दी मार सकते हो, तो अपोनेंट जो है उसको जो है टाइम कम मिलेगा कि वो अपना सेटल हो सके, और उसको जितना कम टाइम मिलेगा आपको उतना बेनिफिट होगा कि वो अभी अच्छे से सेटल नहीं हो पाया है और आप अब अच्छे से जंप स्मैश लगा सकते हो, जिसके वजह से आप शटल को जल्दी मार के प्लेसमेंट कर सकते हो कहीं भी। सो, पहला फ़ायदा ये है कि आप शटल को जल्दी रिटर्न कर सकते हो, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको स्टीपर एंगल देना होता है, यानी कि स्टीपर एंगल यानी कि आप जब किसी चीज़ को मार रहे हो नीचे, तो आप जब स्मैश मार रहे हो तो आपका एक एंगल है, यानी कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ मारना है। सो, अगर आप यहाँ से मारोगे तो आप इसको उतना अच्छे एंगल से नहीं मार सकते हो, लेकिन आप जब जंप करोगे तो आप थोड़ा नेट से भी हाई चले जाते हो और आपका स्टीपर एंगल जो है बहुत अच्छा होता है। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि स्टीपर एंगल कैसे काम करता है। जैसे देखो, मेरे पास दो शटल है, ठीक है, मैं आपको एक नॉर्मल फेंक के दिखाता हूँ और दूसरा मैं आपको जंप करके दिखाऊंगा, तो आप देखना कि सबसे अच्छा एंगल किस में जा रहा है, ठीक है। जैसे शटल को फेंक रहा हूँ, अभी मैं इसको खड़े खड़े फेंकूंगा बिना जंप किए, तो ये देखो, ठीक है, अभी वहाँ पे गया, और अब मैं जब जंप करके फेंकूंगा तो आप देखो इसका एंगल, ठीक है, देखा इसका एंगल जो था वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वो शटल जो मैंने खड़े खड़े फेंका था वो ज़्यादा दूर गया था, बट जो मैंने जंप करके फेंका वो एकदम नेट के पास ही गिरा, तो ये होता है स्टीपर एंगल। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको जंप स्मैश से क्या फ़ायदा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीके से जंप स्मैश कैसे लगाना है। सो, सबसे पहला काम जो है आपका वो है आपको एक अच्छा पोजीशन लेना है, यानी कि आपको अपना स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो सही करना है। सो, आपको क्या करना है, आपको साइडवेज जाके खड़ा होना है, यानी कि आपको शटल के पीछे जाना है और साइडवेज खड़ा होना है। जैसे शटल है यहाँ पर, तो मैं शटल के पीछे रहूँगा, शटल मेरे सामने है और मैं साइडवेज खड़ा हूँ। फर्स्ट पॉइंट है आप शटल के साइडवेज जाके खड़े हुए, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है कि आपको अपने रैकेट आर्म एंड नॉन रैकेट आर्म दोनों को एक्टिवेट करना है, यानी कि जो आपका रैकेट आर्म है उसको तो आपको पूरा पीछे स्ट्रेच करना है, और जो नॉन रैकेट आर्म है इसको आपको अपने रैकेट के आगे रखना है, यानी कि अपने से फेस के आगे, ताकि आप इसमें इन दोनों हैंड में बैलेंस क्रिएट कर सको। मैं पहले ही बताया था कि लेफ्ट आर्म का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ये आपको बैलेंस और एक्यूरेसी बनाने में बहुत काम करता है। तो पहला आपका पोजिशन आया, दूसरा आपका स्ट्रेच, एंड ये आपका इधर आर्म, ठीक है। इसके बाद अब आपको जंप करना है, तो जंप करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे स्क्वैट लगाते हैं ऐसे सामने स्क्वैट लगाते हैं, ठीक है, तो अभी हम ऐसे खड़े हैं, तो अभी आपको क्या करना है, स्क्वैट करना है, यानी कि स्मॉल स्क्वैट, आपको ऊपर जंप करना है, तो आपको जंप करने के लिए थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा, ठीक है। डाउन जाने से क्या होगा, जैसे आप स्प्रिंग देखे हो, स्प्रिंग को अगर आप ऐसे खींचोगे तभी तो वो तेज़ से जाएगा, ठीक है, जितना तेज़ खींचोगे उतना तेज स्प्रिंग की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह आपको हाई जंप करना है तो आपको डाउन जाना है, ठीक है, और आपको थोड़ा ऐसे अपने नीज को बेंड करना है, बेंड, और ये दोनों हैंड ऐसे बेंड, ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर आना है। अब थर्ड पॉइंट आपका यही था कि आपको बेंड होना है और हाई जंप करना है। सो, आपको हवा में ऊपर जंप करना है, तो आप अपने हैंड से भी आपको अपने आप को ऊपर की ओर हाई जंप करना है, ठीक है। देखो कैसे, ये बैंड, हैंड को भी ऊपर लाना है फ्लो के साथ, ताकि आप हाई जंप कर सको, ठीक है। देखो ये, ठीक है, ये था हमारा जंप, आपको इस तरह से जंप करना है। फिर से देखो एक बार कैसे, देखो पहले पोजिशन, सेकेंड आर्म एंड नॉन रैकेट आर्म, थर्ड पॉइंट हमारा बैंड, और फिर जंप, ठीक है। देखो
ठीक है। सो ये हमारा था जंप। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट है वो है, हमने जंप कर लिया, अब तक तो हमारा जंप हो चुका है, बट इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पे ये है कि आप जंप कब कैसे करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप जब जंप कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है टाइमिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि शटल आ रही है, शटल गिर चुकी है, आप तब जंप कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा आपके जंप करने का। सो आपको ध्यान रखना है कि शटल जब हाइट पे हो तभी आपको जंप करना है, ठीक है। जब शटल हाइट पे है तभी आपको जंप करना है, और आपकी टाइमिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए, आपका रैकेट एंड शटल के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो अच्छा बने और आपका स्मैश परफेक्टली पड़े, ठीक है। सो आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है, आपको शटल को देख के शटल के अकॉर्डिंग ही जंप करना है, ये नहीं कि शटल गिरने के बाद जंप कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी लैंडिंग, यानी कि आप शटल को स्मैश मार दियो उसके बाद आपको लैंड करना है ज़मीन पे, ठीक है। तो आपको लैंड ऐसे करना है कि आपकी बॉडी में अच्छा सा बैलेंस हो, ये नहीं कि आप जंप स्मैश मारने के बाद गिर जा रहे हो, ठीक है। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपके जंप स्मैश मारने का, क्योंकि आपने स्मैश मार दिया इसका मतलब ये नहीं कि गेम यहीं पे ख़त्म हो गया, आपको अब आगे भी मूव करना है, क्योंकि अगर तो फिर जैसे आप पीछे गए हो, आप पीछे से जंप स्मैश मार रहे हो, तो ये नहीं कि आपका गेम यहीं पे ख़त्म हो गया, ये तो कन्फर्म है कि अगर अच्छा प्लेयर अपोनेंट सामने है तो आपको रिटर्न देगा, और अगर आप पीछे खड़े हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको ड्रॉप ही देगा, ठीक है। तो आपके पास इतना अच्छा बैलेंस होना चाहिए कि आप मारने के बाद तुरंत उस ड्रॉप को उठा सको। सो जो आपकी लैंडिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, और आपका मूवमेंट आगे की तरफ होना चाहिए, पीछे से मार के आगे की तरफ, आपको सेंटर आके वहाँ से मारने के बाद कवर करना है। जैसे मैं ये पीछे गया मारा, उसके बाद ठीक है, ऐसे मारने के बाद आपको सेंटर आके कवर भी करना है। सो आपकी लैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। सो ये था हमारा जंप स्मैश का टेक्निक। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है जब आप जंप स्मैश ले रहे हो, ठीक। सो पहला पॉइंट ये है कि आपको जंप स्मैश तभी मारना है जब शटल हाई हो, यानी कि जब शटल हाइट में होगी, ज़्यादा हाइट में, तभी आप जंप स्मैश मार रहे हो, ठीक है। यानी कि शटल आपके अगर इतना पास आ रही है और आप सोचो जंप स्मैश लगा दो, तो आप बेवजह जंप करते रह जाओगे, आपकी स्मैश भी नहीं हो पाएगी, आपकी टाइमिंग पूरी ख़राब हो जाएगी, जिस वजह से आपका या तो नेट जाएगा या तो बाहर, ठीक है। सो आपको ये चीज़ अवॉइड करना है कि हमेशा जंप स्मैश आपको नहीं करना है, जब आपके पास टाइम अच्छा है, प्रॉपर टाइमिंग है कि आप जंप स्मैश कर सको तभी जंप स्मैश करो। टिप नंबर टू ये है कि आपको शटल के बिहाइंड जाना है, यानी कि शटल जब आप मार रहे हो तो शटल आपके आगे साइड होना चाहिए, यानी कि शटल आपके फ्रंट में होना चाहिए, वो भी एकदम मैक्सिमम हाइट में, जहाँ से आपको पिक करना है, जहाँ से आपको हिट करना है, ठीक है। जैसे ये जंप किया और यहाँ सामने से आपको हिट करना है, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि आपका जो ग्रिप रहेगा वो आपका फोर एंड ग्रिप आएगा, ठीक है। फोर एंड ग्रिप जो नॉर्मल ग्रिप होता है वही ग्रिप, लेकिन अगर आप और अच्छा स्मैश मारना सकते हो तो आप इसको थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो, जैसे हैमर ग्रिप होता है उस तरह से इसको पकड़ सकते हो, ठीक है। इस तरह से हैमर ग्रिप भी पकड़ के इसको मार सकते हो, ठीक है। ये देखो हैमर ग्रिप, इसको पकड़ के आप मार सकते हो, इसमें भी आपको हेल्प होगी, बट ज़्यादा इसको मैं खुद ही प्रीफर करता हूँ कि आप फोर एंड ग्रिप पकड़ के मारो, ठीक है। नेक्स्ट टिप जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको रैकेट जो है पीछे पकड़ना है, यानी कि आप रैकेट को नीचे पकड़िए, जिससे आपका हेल्प होगा, और आपको अपने हैंड में रैकेट को कंफर्टेबली पकड़ना है, ये नहीं कि आप रैकेट को ऐसे पकड़ ले रहे हो, ठीक है। ऐसे तो आप मार ही नहीं पाओगे, रैकेट पता नहीं कहाँ फेंका जाएगा, है ना। तो आपको इसको कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग ही पकड़ना है अच्छे से, और नीचे पकड़ने से फ़ायदा यही होता है कि इसकी लेंथ बढ़ गई, मैंने पहले ही बताया था। लेंथ बढ़ने से क्या फ़ायदा है, आपका ये अच्छे से पूरा फ्लेक्सिबल हो जाता है, रैकेट का जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा स्पीड हो जाता है, तो जिससे इसका जो हेड हैवी हो जाएगा, हेड हैवी होने की वजह से इसका ज़्यादा स्पीड डबल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए रैकेट को हम स्मैश मारते वक्त नीचे पकड़ते हैं, ये नहीं कि आप इसको ऊपर पकड़ के स्मैश मार रहे हो, आप इससे ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाओगे, तो आप रैकेट को नीचे की तरफ पकड़ लो। अब नेक्स्ट जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो रैकेट चल रहा है हवा में, ठीक है, आप हवा में हो तो आपका जो रैकेट चल रहा है ये इस वक्त आपका रैकेट पूरा स्विंग होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम स्पीड, इसका जो हेड है, ये जो हेड की स्विंग होगी इसके ऊपर ही आपकी स्मैश की जो पावर है वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो आपकी जो स्विंग हो रही है रैकेट वो पूरे स्पीड से होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर, तभी आप उसको ज़्यादा तेज से मार पाओगे। तो जब आप स्विंग करा रहे हो आपका पूरा रैकेट तेज से चलना चाहिए, पूरा फ्लो आना चाहिए, ठीक है। और स्मैश मारने की टेक्निक जो है इसमें वो सेम टेक्निक यूज होगी, बस आपका है जंप स्मैश में यही डिफरेंस है कि आपको जंप करना होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो है कि हमें शटल के पीछे जाना कैसे है। आप अगर शटल के पीछे जाना चाहते हो
तो आपको कैसे जाना है, इसके लिए कुछ ही फुटवर्क है। जैसे आप शटल के पीछे जाना चाहते हैं, पहला तो आप ये बोल सकते हो कि आप ऐसे आगे गए, ड्रॉप दिए, तो सामने वाले ने आपको पीछे उठा के हाइट में पीछे दे दिया, ठीक है। तो आपको अब पीछे जाना है, तो आप क्या करो, पहले तो रिटर्न आओ बीच में, उसके बाद ये चेंज हुए, जंप स्मैश किए, उसके बाद बीच में, ठीक है। फिर से देखो, देखो जैसे आपने ये गया ड्रॉप दिया, शटल पीछे आई, तो आपको ऐसे पीछे आना है, उसके बाद ये जंप स्मैश, फिर बीच में, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा, जो हम दूसरे तरीके से पीछे जा सकते हैं, वो है हमारा आप साइड सफल करके पीछे जा सकते हो। जैसे आप ये गए आगे, ये किए ड्रॉप, अब सामने वाले ने भी आपको पीछे दे दिया, तो आप इसको ये किए ऐसे पीछे आए और फिर जंप किए, ठीक है। फिर से देखो, आप ये गए ड्रॉप दिए, सामने वाले ने ड्रॉप दिया, आपको साइड सफल करके पीछे गए, जंप स्मैश हिट, ठीक है। सो आप ये दो फुटवर्क इस्तेमाल कर सकते हो पीछे जाने के लिए। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।